चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ तक कर रहे थे? लास्ट चल रहा है, वो टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, वही एंडिंग चल रही है उसकी, एंडिंग करते हैं। इक्वेशन जो निकली थी अब देखिए, हम लोगों को स्टार्ट जो करना था वो जहाँ छोड़ के गई थी वहां से स्टार्ट करवाते हैं। हमने साई फंक्शन निकाल लिया था। साई फंक्शन क्या निकला था आपका? समीशन डी एन जे नॉट, फिर के की वैल्यू रख दी थी हमने, मेगा एन रो अपॉन डी। फिर मैंने इस इक्वेशन के दोनों साइड मल्टीप्लाई किया था और इंटीग्रेट किया था। देखिए मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय रो जी नॉट ओमेगा एम अपॉन रो अपॉन ओमेगा, यहाँ पर रो ही था ना, ओमेगा एन रो अपॉन बी। यहाँ पर एन है, यहाँ एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय रो ऑन बोथ साइड्स एंड इंटीग्रेटेड फ्रॉम, इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? जीरो टू ए। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी जो सर्कुलर मेम्ब्रेन है वो ओरिजिन से रो बराबर ए रेडियस तक है, इसलिए हम इंटीग्रेट भी कहाँ से करते हैं? जीरो से ए तक करो इस फंक्शन के अंदर, जीरो से रो जे नॉट ओमेगा एम रो अपॉन बी साई डी रो इक्वल टू, सेम इसमें करिए, जीरो से डी एन जे जीरो ओमेगा एम रो अपॉन बी रो जे जीरो ओमेगा एम रो अपॉन बी डी। अब मैं ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन लगा रही हूँ बेसल फंक्शन की, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन ऑफ बेसल फंक्शन, बेसल फंक्शन की ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन लगाते हैं। क्या होती है बेसल फंक्शन की ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन? लगा रही हूँ इसमें, जीरो से रो जे एल ओमेगा एम रो अपॉन बी, एक तो ये हो या जे एल ओमेगा एम रो अपॉन बी डी रो, ये जो होता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर अपॉन टू जे एल प्लस वन ओमेगा एन इसके और डेल्टा एम एन के बराबर होता है। ये ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन होती है आपकी बेसल फंक्शन की, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो।
और हमें जो चाहिए यहाँ पर फंक्शन में एल बराबर जीरो चाहिए, क्योंकि हमारे इंटीग्रेशन में एल बराबर जीरो है। पुट कर दीजिए एल बराबर जीरो, पुट एल इक्वल टू जीरो, जीरो रखिए। जीरो रखिए, एल बराबर जीरो पर जे वन ओमेगा एन डेल्टा एम एन। और हमें पता है क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन वन करना होता है क्या होता है, एम बराबर एन लेने पर, एम बराबर एन पर डेल्टा एम एन कितना हो जाता है वन। फंक्शन बचेगा, अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, जो फंक्शन है आपका जीरो से रो, फिर था आपका जे जीरो ओमेगा एम रो अपॉन बी, जे जीरो ओमेगा एम रो अपॉन बी, और यहाँ पर था आपका साइन नॉट डी रो, यहाँ पर था आपका डी एन, और फिर बाकी वही था। तो इसमें इसकी वैल्यू ये आ जाएगी ए स्क्वायर अपॉन टू जे वन ओमेगा एन, और ये तो वन हो गया क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन से। मुझे कांस्टेंट डी एन की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा टू इधर चले जाएगा ए स्क्वायर जे वन ओमेगा एन, फंक्शन क्या बचेगा जीरो से रो जे जीरो ओमेगा एम रो अपॉन बी एप्सिलॉन नॉट डी रो, ये निकल गई हमारी कांस्टेंट डी एन की। स्क्रीनशॉट ले लो, और ये यूनिट कंप्लीट हो गई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर एंड हो गया यूनिट का, मतलब आपकी तीन यूनिट कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद वैसे एक टॉपिक और बचा है, लेकिन वो डिफ्यूजन इक्वेशन इस साल वो सिलेबस से हटा दिया है, इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ। नहीं तो पिछली बार तक वो सिलेबस में था, तो मैंने करवाया था, इस साल सिलेबस में हट गया है तो वो नहीं हो रहा है। और इसके बाद आपकी एक यूनिट लास्ट यूनिट बची है, वो बची है आपकी थर्ड यूनिट, वो आज मैं स्टार्ट करवाने जा रही हूँ क्लास के अंदर। और फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ आपकी कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड यूनिट स्टार्ट करवाऊंगी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड वाली यूनिट। यूनिट हाँ नाम है आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड स्पेशल फंक्शन ये थर्ड यूनिट है, वो ये स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। थोड़ी मैथ की सी यूनिट है ये वाली, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो मैथ की सी यूनिट है थोड़ी सी, वो नई यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ। इसके अंदर आपको तीन साइंटिस्ट की इक्वेशंस पढ़नी है बस, फिर ये इतनी है यूनिट, लिजेंड्रे लेग्यूरे और हर्माइट, इन तीनों के बारे में, इनकी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, और फिर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी थर्ड यूनिट। देखिए स्टार्ट करते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट की जाती है, ठीक है? डिग्री तो आती होगी निकालनी, जनरल मैं पूछ रही हूँ आप डिग्री बोलते जाइए कितनी होगी, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू जीरो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कितने ऑर्डर की है,
ये कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है? वन की. यस. नेक्स्ट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो. ये कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है? टू की. यस. अब हमें क्या करना है, ये तो हमें पता ही है, तो इसके बारे में तो इतना जानने की जरूरत नहीं है. मुझे ये निकालने हैं, वो मेन जो पढ़ाना है मुझे वो पढ़ाने हैं आपको. जब ये मेन टॉपिक स्टार्ट होगा मैं बता दूंगी, अभी तो मैं केवल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ. जब मेन टॉपिक स्टार्ट होगा तब बताऊंगी आपको इसके बारे में. मुझे पढ़वाने हैं इसके अंदर सिंगुलर पॉइंट्स एंड डिफरेंट पॉइंट्स. आपको सिंगुलर पॉइंट्स पढ़ने कौन से होते हैं और एक पढ़ने आपको डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब विचित्र अलग अलग कौन से होते हैं. पहले मैं सिंगुलर पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ. एंड डिफरेंट पॉइंट्स देखो, मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन मानी p नॉट x d स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर पी वन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी टू एक्स. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है y, ठीक है. ये p नॉट x कुछ भी हो सकता है, कॉफिशियंट है ये तो, 2x, 3x, 4x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2x, कुछ भी हो सकता है. सेम p1x कुछ हो सकता है और p2x कुछ हो सकता है, क्योंकि ये तो कॉफिशियंट है. अब मुझे ये पहचानना है कि इस इक्वेशन के सिंगुलर पॉइंट कौन से हैं और डिफरेंशियल पॉइंट कौन से, डिफरेंट पॉइंट कौन से हैं. पहले मैं बताती हूँ, देखिए अगर मैं x की जगह पर कोई वैल्यू लेके चल रही हूँ, a कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं x की जगह पर. वैल्यू लेने पर अगर p नॉट x, मतलब ये वाली वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आती, मतलब जीरो नहीं आती है, अगर x बराबर 1, 2, 3, 4 कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसकी जगह मैंने कोई वैल्यू रखी और इस फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं हुई, अगर जीरो नहीं होती है तो जो आपने पॉइंट रखा था x बराबर a, इसको बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट. इसको क्या बोला जाता है? सिंगुलर पॉइंट. अगर कोई वैल्यू रखने पर इस फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं होती तो ये जो वैल्यू होती है उसे बोला जाता है सिंगुलर पॉइंट. सेकंड, फिर दोबारा मैंने एक्स बराबर ए रखी, इस बार जीरो हो गई. अगर जीरो हो जाती है तो उसे बोला जाता है डिफरेंट पॉइंट. तो मतलब इस कंडीशन में जो एक्स बराबर ए होगा वो होगा आपका डिफरेंट पॉइंट, मतलब विचित्र पॉइंट. इसको हिंदी बोलते हैं विचित्र बिंदु. अगर जीरो नहीं होती है तो वो सिंगुलर पॉइंट है, अगर जीरो हो जाती है तो वो डिफरेंट पॉइंट है, ठीक है. अगर सिंगुलर पॉइंट है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वाई, वो सॉल्यूशन रिप्रेजेंट किया जाएगा ए आर एक्स माइनस ए टू की पावर आर से. अगर वो जीरो हो जाती है तो वो आपका डिफरेंट पॉइंट होगा, उसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट किया जाएगा ए आर एक्स टू की पावर आर से. अगर इस इक्वेशन का कोई पॉइंट सिंगुलर पॉइंट आता है तो उसका सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे इससे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन. अगर वो डिफरेंट पॉइंट आता है तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे इससे. ये आपके तीनों साइंटिस्टों में यूज आने वाला है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अब जो मेन टॉपिक स्टार्ट कराने जा रही हूँ जहां से पेपर में पूछा जाता है. यहाँ तक तो जनरल इन्फॉर्मेशन थी, सिंगुलर पॉइंट कौन से होते हैं, डिफरेंट पॉइंट कौन से होते हैं, ऑर्डर क्या होता है, ये सब आपको पता है. लेकिन ये चीज नहीं पता थी, ये मैंने अभी बताई है. अब बताऊंगी मैं कैसे फाइंड आउट करेंगे. स्क्रीनशॉट ले लो और मेन टॉपिक स्टार्ट करो इसका. पहले डालो पहला साइंटिस्ट, लिजेंड्रेस पॉलिनोमियल. ये लिजेंड्रे पॉलिनोमियल को पढ़ रहे हैं. और एक बात और, मैं तीन साइंटिस्ट पढ़ाऊंगी, ये लिजेंड्रे हैं, लैग्यूरे पढ़ेंगे और हर्माइट पढ़ेंगे. तीनों ने जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो फिक्स हैं, आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते.
अगर पेपर में आपको लेजेंडर पॉलिनोमियल पूछा जाएगा तो मैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन ब्लैक बोर्ड पर लिखवाने वाली हूँ उसी को डिफाइन करके आपको सॉल्व करनी है। आप चाहे हम कोई भी इक्वेशन लेके सॉल्व कर लें, नहीं सॉल्व करना आपको, केवल क्योंकि तीनों साइंटिस्ट ने अपनी एक एक फिक्स डिफरेंशियल की इक्वेशन दे रखी है, आपको वो रटनी है, उन्हीं को उन्हीं इक्वेशन से आपको सॉल्यूशन निकालना है और कोई अदर इक्वेशन नहीं ले सकते। ठीक है, पहले मैं लिजेंडर की लिख रही हूँ कि लिजेंडर ने डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी ली थी, लिखिए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ली है क्योंकि चैप्टर का नाम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो तीनों साइंटिस्ट ने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ली। सबसे पहले लिजेंडर की लिख रही हूँ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का n n प्लस 1 y इक्वल टू जीरो। ये फर्स्ट इक्वेशन जो है ये याद रखनी है एज इट इज, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी है, लिजेंडर की। अब मैंने आपको बताया था इसमें आपको ये पता करना है कि कौन सा पॉइंट तो आपका सिंगुलर पॉइंट है और कौन सा पॉइंट आपका डिफरेंशियल पॉइंट है। तो ये तो आपका पी नॉट एक्स है, ये पी वन एक्स है और ये पी टू एक्स है। हम किस में पुट करके देखते हैं, पी नॉट एक्स में, वेयर पी नॉट एक्स कितना है यहाँ पर, वन माइनस एक्स स्क्वायर, पी वन एक्स कितना है माइनस टू एक्स और पी टू एक्स कितना है एन एन प्लस एन प्लस वन। ठीक है, अब मुझे चेक करना है इसके अंदर रख के पी नॉट एक्स कितना है, वन माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए सबसे पहले हम रखते हैं, मैंने जैसे बताया था x बराबर a रखिए, अगर इसका वैल्यू जीरो नहीं आता है तो वो सिंगुलर फंक्शन है, नहीं तो वो डिफरेंट पॉइंट्स है। तो पहले हम रखते हैं x की वैल्यू जिस पर ये जीरो हो जाएगा, पहले जीरो हो जाने के लिए रखते हैं किस पर, x बराबर हमें पता है वन प्लस माइनस वन पर ये फंक्शन जीरो हो जाएगा, x की जगह वन या माइनस वन रखें तो ऊपर जो पी नॉट x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर पी नॉट x की वैल्यू जीरो हो जाती है तो इसका मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस वन इज ए डिफरेंट पॉइंट, अगर जीरो हो जाती है तो डिफरेंट पॉइंट है। अब ये देखते हैं ये जीरो किस पर नहीं होगी, मैं रखती हूँ x बराबर जीरो, जीरो रखिए वन बचेगा तो p नॉट x की वैल्यू जीरो नहीं होगी, इसका मतलब x बराबर जीरो इज ए सिंगुलर पॉइंट, ये सिंगुलर पॉइंट है। अब आपकी इच्छा है आप सॉल्यूशन कोई सी भी इक्वेशन से निकाल सकते हो, इससे निकाल लो या इससे निकाल लो। अगर डिफरेंट पॉइंट से सॉल्यूशन निकालोगे तो मैंने बताया था y बराबर क्या लेके चलना है, अगर सिंगुलर पॉइंट से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो मैंने बताया y बराबर क्या लेके चलना है, किसी से भी आप इसका सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लो इसका, अब देखिए मैं जो इसका सॉल्यूशन लिख रही हूँ वो इससे लिख रही हूँ, इससे भी लिख सकते हो उससे भी लिख सकते हो, दोनों से लिख सकते हैं। मैं इससे लिख रही हूँ x बराबर जीरो से सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, बाय x इक्वल्स टू जीरो कितना होता है, समीशन ए आर एक्स माइनस ए टू की पावर आर, यही होता है। और हमें क्या मालूम है, जो x बराबर a पर सिंगुलर पॉइंट आता है तो इसकी ए बराबर क्या रख सकते हैं फिर, जीरो, क्योंकि एक्स और ए बराबर होते हैं तभी तो सिंगुलर पॉइंट आता है। फंक्शन क्या बचेगा, समीशन ए आर एक्स टू की पावर आर, आर इक्वल टू जीरो से कहाँ जाएगा इनफाइनाइट तक, तक ये वैल्यू ए वन आर इक्वल टू वन पर, पहले जीरो पर रखते हैं ए जीरो, आर इक्वल टू वन पर रखिए ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर
प्लस एंड सो ऑन, इसको मान ली डाली मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। ये निकला गया आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चले थे उसका सॉल्यूशन। अब देखो y की वैल्यू हमारे पास आ गई, जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो क्या थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो मैं मुझे मतलब यहाँ वाई से डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई ओवर डी एक्स निकाल के इसमें पुट करनी है और वाई की वैल्यू पुट करनी है। तो मैं इस इक्वेशन सेकंड की वैल्यू किस में रखती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में। Putting the value of equation second in equation first, चलो first में रखते हैं। First equation क्या है, सबसे पहले 1 minus x square, फिर है आपका d square y over dx square। तो y का दो बार differential करिए, एक बार करती हूँ r आ गया जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, एक बार करेंगे आर आ जाएगा ए आर आर ए आर एक्स टू की पावर आर माइनस वन, फिर दोबारा करेंगे तो फिर आर आ जाएगा आर माइनस वन आ जाएगा, तो क्या आएगा ए आर एक्स टू की पावर आर माइनस टू। तो मतलब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर जो मैं वो डायरेक्ट वैल्यू रखनी हूँ, समीशन ए आर, पहली बार में तो आर आ जाएगा, दूसरी बार में आर माइनस वन आ जाएगा, फिर बचेगा ए आर एक्स की पावर आर माइनस, ये मैंने लग दी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। फिर है आपका माइनस का टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, अब डी वाई ओवर डी एक्स निकालते हैं, माइनस टू एक्स समीशन डी वाई ओवर डी एक्स, एक बार करना है तो आर ही आ जाएगा केवल ए आर आर एक्स एक्स की पावर आर माइनस वन, तो केवल ये आ जाएगा इस बार, इसमें ए आर ए आर मैंने दो बार लिख दिया है गलती से, एक बार ही आएगा। ए आर ए आर दो बार लिख दिया था मैंने, एक बार मिटा दिया है, सेम इसमें ही आएगा। फिर था आपका प्लस एन एन प्लस वन और वाई, वाई की जगह तो समीशन ए आर एक्स टू की पावर आर इक्वल टू जीरो, ये आ गया। ये मैंने क्या करा, इक्वेशन सेकेंड की वैल्यू किस में रख दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब यहाँ से देखो ये तो एज इट इज, इसका वन से इंटू करते हैं, इसका वन से इंटू करो, फिर इसका इससे इंटू करो एक्स स्क्वायर से। पहले वन से इंटू करती हूँ इस इक्वेशन का, क्या बचेगा समीशन आर आर माइनस वन ए आर एक्स की पावर आर माइनस टू, फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करती हूँ, माइनस समीशन आर आर माइनस वन ए आर x की पावर r माइनस टू एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा केवल x टू की पावर r, और बाकी एज इट इज माइनस टू एक्स समीशन ए आर आर एक्स टू की पावर r माइनस वन प्लस n n प्लस वन समीशन ए आर एक्स टू की पावर r इक्वल टू जीरो। अब इसमें से कॉफिशियंट अलग कर लो, जो 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 कॉफिशियंट अलग हो रहा है, ये एज इट इज, ये एज इट इज माइनस, अब इधर देखो यहाँ x वन है या x की पावर r माइनस वन है, तो क्या बचेगा केवल वन ऑफ माइनस वन कट जाएगा, समीशन ए आर आर एक्स टू की पावर आर प्लस n n प्लस वन समीशन ए आर एक्स आर इक्वल टू जीरो। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लीजिए, अब कॉमन लेती हूं मैं, चलो कॉमन लेते हैं उसमें से, ये नीचे वाली इक्वेशन में से ले रही हूँ कॉमन, ये तो एज इट इज आ जाएगी, समीशन
आर आर माइनस वन ए आर एक्स की पावर आर माइनस टू। अब इन तीनों में से कॉमन लेना है, तीनों में से मैं कॉमन ले रही हूँ ए आर एक्स आर ए आर एक्स आर ए आर एक्स आर, कॉमन ले लीजिए तीनों में से, माइनस समीशन ए आर एक्स की पावर आर, जो जो बचेगा वो लिख दीजिए, जो इसके अंदर बच रहा है ये बचेगा आर आर माइनस वन, इसके अंदर बचेगा माइनस टू आर, यहां बचेगा प्लस एन एन प्लस वन। रीजॉइन कर लो,